दोस्तों भारत की अध्यक्षता में बीते सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत ने दक्षिणी चीन सागर मुद्दे पर चर्चा कराई थी, जिसे लेकर अब चीन आग बबूला हो गया है। बुधवार को चीन ने कहा कि विश्व निकाय की उच्च अधिकार प्राप्त इकाई यानी कि यूएनएससी मुद्दे पर चर्चा करने का उपयुक्त स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा के बाद भारत की अध्यक्षीय वक्तव्य में चीन को कड़ा संदेश देने वाला बयान भी यूएनएससी के सदस्यों ने स्वीकार किया था। दोस्तों दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। दरअसल इस बैठक में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते अतिक्रमण पर खुली परिचर्चा का आयोजन किया गया था। खास बात यह रही कि सुरक्षा परिषद की इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। इस दौरान हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर सदस्य देशों के बीच जोरदार बहस हुई, जिसमें एक वक्त ऐसा भी आया कि चीन अकेला पड़ गया। इस दौरान इस बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने सभी 15 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उनके संबोधन के बाद बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा पर उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याता और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन तथा अन्य वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। बैठक में अमेरिका और चीन दक्षिणी चीन सागर मुद्दे पर आपस में भिड़ गए थे। इसमें समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने को मान्यता देने वाले अध्यक्षीय बयान को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक चीन ने प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। उधर भारत का भी यह मानना है कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुरूप ही आचार संहिता लागू होनी चाहिए। इसी माह 5 अगस्त को वर्चुअल आयोजित हुए 11वें आसियान सम्मेलन में भी भारतीय विदेश मंत्री ने दक्षिणी चीन सागर में अपनी समुद्री सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के द्वारा तैयार की जा रही आचार संहिता के मसौदे पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि दक्षिणी चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से UNCLOS 1982 के अनुरूप लागू होनी चाहिए। विभिन्न देशों के वैध अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए और चर्चाओं में एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने सामान्य तौर पर जोर देकर कहा कि समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चीन ने साथ ही दक्षिणी चीन सागर पर बीजिंग के दावों तथा भड़काऊ कदमों पर ब्लिंकन द्वारा की गई आलोचना पर कड़ी आपत्ति भी व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा कि दक्षिणी चीन सागर मुद्दे पर अमेरिकी प्रतिनिधि की टिप्पणियों के जवाब में चीनी प्रतिनिधि ने मौके पर ही कड़ा विरोध किया। उन्होंने अमेरिका के अनुचित आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। गौरतलब है कि ब्लिंकन ने चीन पर परोक्ष हमला करते हुए कहा था कि दक्षिणी चीन सागर में गैरकानूनी दावों को आगे बढ़ाने के लिए हमने पोतों के बीच खतरनाक मुठभेड़ और भड़काऊ कार्रवाई देखी है। उन नियमों की रक्षा करना प्रत्येक सदस्य देश की जिम्मेदारी है, जिन पर हम समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत हुए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, चीन दक्षिणी चीन सागर मुद्दे पर अब अकेला पड़ गया है? क्या भारत अमेरिका जैसे देश अब चीन के खिलाफ एक विस्तारित रणनीति पर काम कर रहे हैं? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते आतंक के बीच यहां से भारतीयों को बाहर निकालने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मजार शरीफ से नई दिल्ली के लिए मंगलवार शाम से एक विशेष फ्लाइट रवाना होने वाली है। ऐसे में मजार शरीफ के पास रहने वाले भारतीयों को इस फ्लाइट के जरिए स्वदेश वापस लौटने की गुजारिश की गई है। मजार शरीफ में भारत के वाणिज्य दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। वाणिज्य दूतावास ने जानकारी दी कि जो भी भारतीय नागरिक विशेष विमान से अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, वे तुरंत अपने नाम, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट के साथ व्हाट्सएप कर दें और इसके लिए दूतावास ने 0785891301 और 0785891301 नंबर भी साझा किए हैं। वहीं अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद से ही तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं। बीते कुछ हफ्तों में तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। अफगान सेना की मदद के लिए अमेरिका ने B-52 बॉम्बर समेत कई लड़ाकू विमान भी भेजे हैं, जो तालिबानियों पर बम बरसा रहे हैं। वहीं अफगान सेना के पलटवार के बावजूद तालिबान लगातार हमलावर होता जा रहा है। बीते 4 दिनों में वह 6 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुका है। मंगलवार को उसने सांगबन की राजधानी आइबक पर भी कब्जा कर लिया।
सांगवान के डिप्टी गवर्नर ने भी इस कब्जे की पुष्टि की है। तालिबान लगातार अपने कदम बढ़ाने में लगा हुआ है। अब उसकी नजर अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर मजार ए शरीफ पर है। अफगानिस्तान के मजार ए शरीफ शहर में वर्तमान में करीब 1500 भारतीय मौजूद है। इनमें से अधिकतर यहाँ चल रहे भारतीय प्रोजेक्ट में कार्यरत है। इस वजह से वहाँ रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि तालिबान बाल्ख, बदख्शां और पंजशीर प्रांत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। उसकी योजना इन प्रांतों की राजधानियों पर नियंत्रण करना है। हालांकि अफगान सेना ने भी तालिबानियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन क्लियरेंस शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन के तहत तालिबान के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। तालिबान कुंदुज एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा है और वहां हवाई अड्डे से बस 3 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका है। वहीं शहर में भीषण जंग जारी है। मैं दोस्तों अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसके लिए सबसे जिम्मेदार देश कौन सा है, वह तो आप जानते ही हैं। जो देश पहले आतंक को बढ़ावा देता है और फिर खुद को दूध से धुला हुआ बताने की कोशिश करता है, यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तालिबान को लगातार वित्तीय और सामरिक रूप से सपोर्ट करके उसको एक आदमखोर भेड़िया बना डाला, अफगानिस्तान की जनता पर नमक डाला। आज वही पाकिस्तान उस देश पर मलम लगाने का ढोंग रच रहा है, खुद को अफगानिस्तान में शांति का पक्षधर बताने का खेल खेल रहा है। हालांकि इस पाकिस्तान को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी और मिलती भी रहती है, लेकिन उससे पहले आपको खबर से रूबरू करवाते हैं कि आखिर खबर क्या है। दरअसल अफगानिस्तान में गृह युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर जोर देने के उद्देश्य से पाकिस्तान में इस युद्ध प्रभावित देश पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हो सकता है। सोमवार को मीडिया में प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी दी गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि हम अफगान स्थिति पर प्रमुख क्षेत्रीय विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि अभी उनकी सूची नहीं दी जा सकती है जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा। वहीं पर सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान के पड़ोसियों रूस, चीन, ईरान और तुर्की तथा अन्य हितधारकों को बुलाया जा सकता है। दोस्तों इन देशों में रूस को छोड़कर बाकी सब अफगानिस्तान पर एक कुंडली मारे सांप की तरह है, जो मौके की तलाश में बैठे हैं और कभी भी डस सकते हैं। अब इन चोर देशों को लेकर पाकिस्तान आडंबर कर रहा है, वे चाहे जो भी कर ले दोस्तों भारत को शामिल तो नहीं कर सकता है और ना ही भारत इसमें शामिल होगा। यूएनएस में भयंकर बेइज्जती की बात, पाकिस्तान पूरी तरह से आग बगुला है भारत पर और अफगानिस्तान में चोरी करने की बात खुद को मुस्लिमों का खलीफा बनाने में लगा है। तुर्की और पाकिस्तान का ये खेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। दोस्तों क्या आपको लगता है जिस देश की औकात दो कोड़ी की नहीं, वे अपने खुद के देश में शांति नहीं करवा सकता है और दूसरे देशों के अंदर शांति